खत्री सभा मंडी द्वारा खत्री एकता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें ईपीसी विशिष्ट ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर खत्री समाज के सभी लोगों द्वारा बढ़ चढ़ कर भाग लिया गया। खत्री सभा का मुख्य उद्देश्य अपनी एकता का प्रदर्शन करना है, ताकि वे समाज में शान से जी सकें। इस अवसर पर मुख्य अतिथि ने कहा कि खत्री समाज द्वारा खत्री एकता दिवस धूमधाम के साथ मनाया गया। उन्होंने बताया कि इस दिवस का मुख्य उद्देश्य एकता प्रदर्शन करना था। उन्होंने कहा कि अपनी एकता का प्रदर्शन करने के लिए हजारों की संख्या में खत्री समाज के लोगों ने आज बढ़ चढ़ कर भाग लिया है, जो कि खुशी की बात है। उन्होंने कहा कि खत्री समाज एक राजनीतिक मंच नहीं है। आज हम खत्री एकता दिवस मनाने जा रहे हैं। ये दिवस इसलिए मशहूर रहेगा क्योंकि इसमें हमने सारी अपने समाज के लोगों को, समाज के लोग सारे इकट्ठे हुए हैं, बड़ी हजारों के हिसाब से लोग यहाँ आए हुए हैं और वो अपनी एकता दिखाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज तक हमारे समाज के लोगों को एक जो व्यवस्था में हमें स्थान मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया है, जबकि हमारी समाज ने देश के लिए, हिमाचल प्रदेश के लिए और अंतर्राष्ट्रीय फील्ड तक जो है हमने इतना काम किया है, जो कि एक जिसकी मान्यता आज तक हमें किसी ने नहीं दी है हमारे समाज को। तो इसको देखते हुए एक जागरूकता लानी चाहते हैं हम, और ताकि अगले राजनीतिक जो दल हैं, चाहे किसी पार्टी का हो, उन्हें भी पता लगे भाई एक समाज है जो कि उनकी अनदेखी आज तक हुई है, उसके लिए आज हम एकता दिवस मनाने जा रहे हैं। खत्री सभा मंडी के उप प्रधान नरेश वैद्य ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि खत्री एकता दिवस का मुख्य उद्देश्य एकता का प्रदर्शन करना है। उन्होंने कहा कि उनकी एक विचारधारा है, ताकि समाज में खत्री समाज की एकता को झूठा ना समझा जाए और उनकी विचारधारा को दबाया ना जा सके।